को आखिर किसने दी धमकी? रामदेव द्वारा दिए गए बयान में आज उन्होंने कहा कि कुछ राजनेता ड्रग माफिया आतंकवाद से खतरा है पीएम मोदी जी को। हमें वो जो सपोर्ट कर रहा था वो सबसे बड़ा ये 500 और 1000 रुपए का नोट था। मोदी जी की आज जान को भी खतरा है आतंकवादियों से, क्योंकि आतंकवादी एक तरह से निहत्थे हो गए। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे देश, 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरे इस बात को स्वीकार कीजिए आप। केजरीवाल को किसने कहा चोर? केजरीवाल जब दिल्ली की आजादपुर मंडी के बीच गए, वहां लोगों ने केजरीवाल को चोर चोर कहकर वहां से भगाया। भाजपा बठिंडा जिला महामंत्री उमेश शर्मा का बड़ा बयान। कह रहे हैं कि मोदी ने स्टंट खेला है, और कई लोग कह रहे हैं मोदी ने बहुत अच्छी सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी अकेली राजनीति नहीं करते, ये राष्ट्रनीति के तहत चल रहे हैं। जो इतने दिनों से जब से सरकार आई है पूछ रहे कालाधन कहाँ है, कालाधन कहाँ है, तो उसका जवाब है कालाधन जो हजारों करोड़ रुपया अपना डुप्लीकेट चल रहा था और हजारों करोड़ रुपया लोगों ने दबाया हुआ था काला धन, वो निकला है। उससे निश्चित ही 30 दिसंबर के बाद आम पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। अकाली दल और भाजपा का जो पारिवारिक रिश्ता है, जो गठजोड़ बोलते हैं राजनीतिक गठजोड़ है, वो पारिवारिक रिश्ता है, तीसरी बार हैट्रिक बनाएगी भाजपा और अकाली दल की सरकार बनेगी।